स्वागत है आपका YouTube चैनल MS Classes में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रामा पिथिकस के बारे में। वे कौन थे, कहां से आए, उनका भौगोलिक वितरण क्या है, तो आइए जानते हैं रामा पिथिकस के बारे में। रामा पिथिकस का जीवाश्म 1910 में पिलग्रिम को शिवाली पहाड़ियों में मिला और उन्होंने भारतीय देवता राम के नाम पर इनका नाम रामा पिथिकस रखा और साथ ही साथ उनके कुछ लक्षण मानव से भी मिलते जुलते पाए गए। और ऐसा माना गया कि मानव उद्विकास की दिशा में कपियों से हटकर रामा पिथिकस एक पहला प्राणी था जिसमें होमिनिड होने के कई लक्षण भी विद्यमान थे। और साथ ही इसका उद्भव काल उत्तर मध्य न्यूतन काल 14 से 12 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया। अगर हम इनके रहने के तौर तरीकों को देखें तो हम जानेंगे कि ये जंगल से हटकर खुले मैदान में निवास करने वाला एक पहला जीव था जिसे खुला मैदान पसंद था। लेकिन उत्तर मध्य न्यूतन काल में यूरेशिया का अधिकतर भाग जंगलों से घिरा था और यहाँ उष्णकटिबंधीय नहीं था। इस समय जलवायु भी मिश्रित थी जिसके कारण जंगल चारागाह और खुला सपाट मैदान में फल मिलना मुश्किल था। इस तरह से रामा पिथिकस को अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ जंगल पर निर्भर नहीं रहना पड़ा बल्कि उन्हें खुले मैदान में आकर जड़ कंदमूल बीज इन सबों को खाना शुरू कर दिया जिसके कारण उनके दांत विकसित हुई जैसे चर्णकल और अग्रचर्ण मजबूत हो गए और इस तरह से उनके दांत भी विकसित हो गए। और ऐसा लगने लगा कि रामा पिथिकस अपना ज़्यादातर समय वन की सीमा पर नहीं बल्कि जमीन पर ही व्यतीत करते थे। इस तरह से उन्हें जंगल और खुले मैदान दोनों से ही भोजन प्राप्त होता था और उनका लाभ उठाने लगे और वे जंगल और मैदानों का उपयोग अपने भोजन और शत्रुओं को देखने में भी आसानी से करने लगे और इसका फ़ायदा उठाने लगे। अगर हम रामा पिथिकस के भौगोलिक वितरण को देखें तो जानेंगे कि 1910 ईस्वी में शिवाली पहाड़ियों से पिलग्रिम ने रामा पिथिकस के जीवाश्म को खोजा था। 1932 से 1934 ईस्वी में लुईस को शिवाली पहाड़ियों से इनके ऊपरी जबड़े के दांत और हनु प्राप्त हुए थे जो कि खंडित थे। और आगे चलकर 1961 में लीके को दक्षिण पश्चिमी केनिया में इसके ऊपरी जबड़े का दोनों भाग मिला और उन्होंने इसे केनिया पिथिकस नाम दिया जिसके बाद ही इसका नाम केनिया पिथिकस पड़ा। इसके अलावा बात करें तो तुर्की में भी इसके जीवाश्म पाए गए हैं। इस तरह से तो हमने जाना इनके भौगोलिक वितरण के बारे में। अगर हम इनकी शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो इनमें देखेंगे कि इनमें दो सेल्फ सुपीरियर और इन्फीरियर टॉरस विद्यमान थे और साथ ही साथ नासिका छिद्र यानी कि नाक कृतांक यानी कि दांत के काफ़ी नज़दीक थे और इनके दांत शरीर के अनुपात से बड़े भी थे। और हम बोल सकते हैं कि इनका दंतचाप यू आकार का था जो दांत की कतार 20 डिग्री पर मुड़ती थी। साथ ही नीचे जबड़े का रायसा मोटा और पुष्ट था जो ऊपर उठा हुआ था। अगर हम रामा पिथिकस के उद्विकास के महत्व को देखें तो जानेंगे कि इनके आगे के दांत की संरचना और उद्गत हंता में कमी या प्रमाणित भी करता है कि इनके खानपान में परिवर्तन हुआ और का चर्णक यानी कि मोलर दांत मजबूत थे जिसके कारण ये बीज जड़ बादाम इन सभी को आसानी से खा सकते थे। साथ ही साथ हम यह बोल सकते हैं कि कृंतक दंत का छोटा होना यह दर्शाता है कि ये लोग भोजन को चीरने या फाड़ने के लिए उपयोग नहीं करते थे क्योंकि ऐसा करने के लिए अब हाथों को उपयोग में लाते थे। इनके मुंह और दांतों को देखकर यह सिद्ध होता है या फिर बोल सकते हैं कि प्रमाणित होता है कि ये लोग खाना को मुंह में घुमा घुमा कर खाते थे और ये अपनी भुजाओं के द्वारा पेड़ पे भी झूलने में असमर्थ हो गए थे। ये अब बिल्कुल इंसानों के जैसा जीवन यापन करना शुरू कर दिए थे। अगर इनकी उद्विकासीय स्थिति को देखा जाए तो देखेंगे कि रामा पिथिकस के बाद आए ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, उसके बाद होमो इलेक्ट्रस, उसके बाद होमो सेपियंस। इस तरह से हमने जाना कि रामा पिथिकस कौन थे, कब आए, उनका उद्विकासीय महत्व क्या था, उनके शारीरिक लक्षण के बारे में। इन सभी बातों को समझने जानने के बाद हम आसानी से रामा पिथिकस के बारे में जान सकते हैं कि वे कौन थे, जो कि होमिनिड जीवाश्म साक्ष्य में से एक थे।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।